अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।